एंड मैं आपको तो वो एक सम दिखाने जा रहा हूँ। सम रेशनल नंबर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 7 + √3 डिवाइड बाई 7 - √3 इक्वल टू ए प्लस रूट थ्री बी। ऐसे सम को करते कैसे हैं, सॉल्यूशन लेके सबसे पहले से लिख लीजिए 7 - √3 इक्वल्स टू ए प्लस रूट थ्री बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे, इसे रेशनलाइज करके चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को हटा देंगे, रूट से हटा देना, उसे रेशनलाइज करते हैं। नाउ रेशनलाइज कर दीजिए, अब आप देखिए सेम है, √3 ऊपर का -√3 रेशनलाइज पहले मैंने सिखाया था। देखिए यही जगह बदल देना है, ये माइनस है और ये दोनों सेम रहेगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 7, ये माइनस की जगह हो गया प्लस √3 ले लीजिए। फिर ये सेम ऊपर लिख देंगे ताकि ना इसमें कोई बदलाव ना आए, अगर इसे कैंसिल करें कर दें तो ये सेम रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, प्लस प्लस ये सेम 7 + √3 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7² - √3 होल स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर सेम होने के कारण फॉर्मूला बना ए प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे ये दूसरा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया a² - b² ये फॉर्मूला है इस्तेमाल करने के लिए, ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगता है इसमें। अब देखिए ये अगर तोड़ेंगे बनेगा a² + 2ab + b² और ये बनेगा 49 और ये 3, क्योंकि √3 दो बार करने पर आता है 3। तो अब ये हो गया 49, ये हो गया 14√3, ये हो गया 3, ऐसे बताए ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है, देख लें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46, ऊपर ये और ये जोड़ेंगे तो 52 + 14√3 आ गया 46। अब ये 46 को हम ऐसा लिखेंगे 52/46 + 14√3/46, ये 2 से कट जाएगा, 7 आएगा, ये 2 3 23, इसे भी हम काट सकते हैं, 24 2 6 12 हो जाता है, 2 ये 3 हो जाता है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गया 26/23 + 7√3/23। नाउ अब हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर जो हमें दिया था a + √3b। अब ये देखिए ए के लिए ये तो हम लिखेंगे ए बराबर 26/23 और ये बचा हुआ बी बराबर इसका पार्ट है √3b इक्वल्स टू हो जाता है 7√3/23। ये √3 ये √3 कट गया, आंसर आ गया बी इक्वल्स टू 7/23। तो हमारा वैल्यू निकल गया ए इक्वल्स टू 26/23 और बी इक्वल्स टू 7 बाय
23। इस तरीके से ऐसा सम करते हैं, ऐसा कोई भी सम हो इसी तरीके से करना किया जाता है। होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।